हेलो फ्रेंड्स, आज आप हम बताएंगे आपको अगर आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप पे विंडोज 10 हो या विंडोज 11, कुछ भी आपको इंस्टॉल करना है तो उस टाइम पे आपका जो ड्राइव नहीं शो करना है, आज उसी के लिए हम आपका इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका ड्राइव जो शो नहीं करता, इसकी वजह से आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका ड्राइव नहीं शो कर रहा है इसीलिए। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको, कैसे आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। कहीं भी आपके अंदर अभी तक स्किप नहीं कीजिएगा, जो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए कौन हो गया, इसको बूट करते हैं। ठीक है, मैं सैंडिक का जो पेन ड्राइव है इस पर ऑलरेडी मैं विंडोज बूट किया हुआ है। ठीक है, चलो आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम में क्या आती है, अब इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको करते हैं। देखिए लेनोवो आगे में हो रहा है। नेक्स्ट करना है तो इंस्टॉल नाउ, सेटअप इज स्टार्टिंग। ऐसी दिक्कत आपको 10 विंडोज 10 या विंडोज 11 के टाइम पे से ज्यादा आता है, एक्सेप्ट करना है। कोई भी ड्राइव मेरा शो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा हार्ड ड्राइव पे ऐसा, जब हार्ड ड्राइव नहीं लगा हुआ तब ऐसे शो करेगा, हार्ड ड्राइव लगा हुआ है सपोर्ट किया हुआ है ऐसा नहीं आया, इसलिए तब ऐसे शो करता है। ठीक है, ये तो मेरा नया लैपटॉप। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश भी करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सब क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब इसी प्रॉब्लम के बारे में आपको बात कर रहे हैं, इसलिए कर देते हैं। इसलिए क्या करना, अपना डेस्कटॉप पे जाना है, उसी पे पोर्टेबल पेन ड्राइव को निकालना, अपना डेस्कटॉप में जाना है, एक फाइल है जो फाइल को हमको उसको पेन ड्राइव में कॉपी करके देना है, उसके बाद इसको चेक कर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था तो फाइल को हमने कॉपी की है, और अपने पेन ड्राइव जो है उसको जाके बूटेबल जो है, देखिए यहाँ पे बूटेबल पेन ड्राइव हमारा, यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दूँ, पेस्ट कर दूँ। चलिए यहाँ से आपका पेन ड्राइव एग्जिट कर देता है। कैसे अपने लैपटॉप पे चलते हैं, ठीक है, दोस्तों अगर आप तक मैंने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, यहाँ फिर से अपने आगे लैपटॉप पे वहाँ पे, क्योंकि मैं लैपटॉप से नहीं रिकॉर्ड कर पाता, मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ है, ये तो लैपटॉप ऑन नहीं है। चलिए इसको फिर से इसको ट्राई करते हैं, देखिए इस बार हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। पावर बटन प्रेस करते हैं, ऐसे बूट मेनू बार बार प्रेस करते हैं। ठीक है, F12, एक ही हाथ से कहा कि मेरे एक हाथ पे वो ऑयल है, इसलिए यहाँ पे देखिए फिर से सैंडिस को सैंडिस को इंटर कीजिए। देखिए लिनोवो का लोगो आ चुका है, हाँ वेट करना है, खलील बाबू घूम रहा है, आ गया, करना है, नेक्स्ट करना है। Thank you.
पे आईएक्स से द लाइसेंस का, ठीक है, टिक देना है, नेक्स्ट करना है। कस्टम ओनली यहाँ पे इस बार भी देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लोड ड्राइव करना है, ठीक है, ब्राउज जो मेरा पेन ड्राइव है बूटेबल उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जो फाइल जो कॉपी किया उसको सेलेक्ट करना है, करके इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तब एक बार ये स्कैन करेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो ड्राइव है यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा जितना भी ड्राइव है यहाँ पे इस बार दिखा रहा है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको ऑल पार्टीशन का हम डिलीट कर देते हैं। करने के बाद इसको नया कोई पार्टीशन बना के लोड करेंगे, करके अब हम डिलीट करें मेरा, क्योंकि हमारा कोई फाइल नहीं। अगर आपके फाइल्स कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उसको आप पहले ही बैकअप ले लीजिएगा, मेरा कुछ भी नहीं है इसलिए हमको ऑल फॉर्मेट करना है, ठीक है। एक ड्राइवर के ड्राइव पेज है जिसके अंदर आपका सी ऑपरेटिंग सिस्टम को नेक्स्ट करना है। देखिए जो मेरा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है दोस्तों। अगर अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए।